मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं किसी से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिताऊं। मैं जिंदगी में प्यार, सुरक्षा और ढेर सारी खुशियां पाने के लिए शादी करना चाहती थी। वो चाहते थे कि मेरा लाइफ पार्टनर एक पुरुष हो, पर हुआ उससे ठीक अलग। उम्मीद और हकीकत में बहुत अंतर होता है। और कभी कभी ये हकीकत एक बुरे सपने से ज्यादा दर्दनाक होती है। हमने तलाक से बचने की पूरी कोशिश की, पर बात नहीं बनी। ऐसा लगा मानो मैं अपनी बड़ी बेटी को कभी जान ही नहीं पाया। सच तो ये है कि परिवार में एक पुरुष का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है उन्हें एक नाती की बहुत चाह है। ज्यादातर माँ बाप की अपने बच्चों से उम्मीद होती है कि वो शादी करके अपना परिवार शुरू करें, पर परिवार के मुद्दे पर बात कई बार हाथ से निकल जाती है। युवाओं को लगता है कि बिना प्यार कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। ऐसी सोच पर कई बुजुर्ग सवाल उठाते हैं। क्या युवा वाकई जानते हैं कि वे अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं? युवा और बुजुर्ग, हमारी हकीकत और सपने कितने अलग होते हैं। सच में ऐसा लगता है मानो दोनों पीढ़ियों में कितना अंतर है। कभी कभी तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। पर सवाल ये है कि क्या इसका कोई उपाय है? कितना सुंदर है ना। हमारी शादी 3-3.5 साल तक चली। हम पहले से एक दूसरे को जानते थे और साथ काम करते थे। मैंने गलती से ये मान लिया था कि प्यार जरूरी नहीं होता और लोगों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए, पर मैं गलत थी। दिल और दिमाग को बिना आपस में लड़े एक साथ एक लक्ष्य रखकर काम करना चाहिए। एक संतुलित जिंदगी ज्यादा खूबसूरत होती है। तलाक के बारे में हम दोनों के ख्याल अलग हैं, पर फिर भी मैं समझ रही थी वो कैसा महसूस कर रही है। मेरी बेटी किस दर्द से गुजर रही थी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। बहुत चिंता होती थी मुझे। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं था। उस वक्त हम तलाक की उतनी बात नहीं करते थे जितनी अब करते हैं। उस वक्त तलाक तभी होते थे जब और कोई रास्ता नहीं बचता था, पर अब तो सब आसान हो गया है। पहले सभी कुछ अलग था, वो जिंदगी ही अलग थी, यहाँ तक कि पैसा भी। हम लोगों को जिंदगी से अलग उम्मीदें थी। और इस चीज का सामना करने वाले हम अकेले नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की दर यहाँ है। जिंदगी कभी इतनी उलझी नहीं हुआ करती थी और माँ बाप अपने बच्चों यानी दूल्हा दुल्हन पर कभी इतना दबाव नहीं डाला करते थे। हम खर्चों के बारे में नहीं, सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के बारे में सोचते थे। वो वाकई जरूरी होता है। सोशल मीडिया ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, लेकिन दिक्कतें तो उससे पहले भी हुआ करती थी। हाँ इसरा, लेकिन वो इन दिक्कतों का बहुत बड़ा हिस्सा है।
सच तो ये है कि पिछले 15 सालों में मिस्र में डिवोर्स रेट तिगुना हो चुका है और पूरे देश में तलाक विरोधी कोर्सों के शुरू होने के बावजूद देश के 60% युवा कपल अलग होते जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं और ये भी कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी सोच रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मैं किचन में थी जब उसने बताया और लगा जैसे वो बस रोने ही वाली है। उसे देखकर मेरी आंखें भी भर आई। चूंकि हम जानते हैं हमें बच्चे चाहिए और मैं स्वस्थ अंडे पैदा नहीं कर पा रही, हमने सोचा उन्हें फ्रीज कर देना बेहतर होगा ताकि बाद में और विकल्प रहें। मेरा सपना है कि मेरे दो बच्चे हों, चाहे लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में दो कुत्ते हों और हम सब उनके नाना नानी के आसपास रहें। इनकी उम्र में मैं दो बच्चों की माँ बन चुकी थी, पर वो अब जाकर बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगा था मैं उस उम्र में भी काफी समझदार थी, जबकि यो-यो अपनी जिंदगी अब शुरू कर रही है, तभी मुझे लगता है कि आजकल के युवा अभी भी ना समझ हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। ताइवान में युवा महिलाएं प्रेगनेंसी और मां बनने में देरी कर रही हैं, पर अंडे फ्रीज करना सिर्फ एक एहतियाती कदम है। शायद ही कभी उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। वैसे भी ताइवान में जन्म दर दुनिया में सबसे कम है। عندي احلام كبيره جدا مش عارفه انا قدها ولا لا بس الاحلام عماله मेरे सपने बहुत बड़े हैं, पर पता नहीं मैं उन्हें पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं, पर वो हर रोज बड़े होते जा रहे हैं। मेरा एक सपना था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूं, पर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा। मेरे मन में कई सवाल थे, कैसे करूंगी, किसके लिए, किस तरह, पर करके जरूर दिखाऊंगी। मेरे माँ बाप के मन में भी कई सवाल थे, वो घबराए हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो दुखी भी थे और परेशान भी, पर समझ नहीं पा रहे थे कि मदद कैसे करें। पापा पर इस चीज का बहुत असर पड़ा, वो बहुत बीमार हो गए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जिंदगी में पहली बार मुझे समझ आया कि इस चीज का एक बाप पर क्या असर पड़ता है। वो मौत की कगार पर थे, चूंकि मैं ठीक नहीं थी, वो भी ठीक नहीं थे, और इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बेटी का साथ दिया और वो वापस हमारे साथ रहने आ गई। मेरी बेटी इसरा मेरी बेटी और मेरी दोस्त, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं सिर्फ उसी पर पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे अपनी बेटी मरियम और बेटे यहया से भी बहुत प्यार है, पर इसरा और मुझ में कुछ खास है क्योंकि वो मेरी पहली औलाद है, मेरी प्यारी इसरा। Thank you.
प्लीज मुझे एक टिश्यू पेपर देंगे? जहां मिस्र में तलाक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वहीं समलैंगिकता अवैध है। इसके उल्टे ताइवान 2019 में समलैंगिक शादियों को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश था। फिर भी ये जोड़े अभी भी समाज में आमतौर पर स्वीकार नहीं किए जाते। कुछ लोग अभी भी समलैंगिक शादियों को एक असली फैमिली नहीं समझते। जाहिर है मेरे पेरेंट्स इस चीज को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि हमारे बच्चों को इस बारे में चिढ़ाया या उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। सभी देवताओं से मेरी विनती है, मेरा नाम योयो है। हम अगले साल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो और मैं एक स्वस्थ बच्चे के साथ घर वापस लौटूं। क्या मुझे एक ग्लास तरबूज का जूस मिलेगा? $14, ये लीजिए। नहीं, थैली नहीं चाहिए। मुझे पता ही नहीं था उसे आदमी नहीं पसंद है। जब उसने हमें बताया तो मुझे बड़ा झटका लगा और मैं स्वीकार ही नहीं पाया। बल्कि उसके पिता ने मुझे दोषी ठहराते हुए कहा कि जिस तरह मैंने उसे बड़ा किया है, उसी वजह से उसके दिमाग में वो विचार पनपे हैं। मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया और समझने की कोशिश की, कहीं एक बाप के तौर पर मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी। क्या मैं एक बाप के रूप में उसके लिए अच्छा रोल मॉडल नहीं बन पाया? हमारी पीढ़ी के मर्दों को कभी रोने की इजाजत नहीं थी, पर शुक्र है मैं कार में अकेला था तो सारा गुबार निकाल दिया। जी भर के रोया, फिर मुंह पोछा, खुद को संभाला और वापस काम पर चला गया। एक माँ के तौर पर अगर मैं इसे स्वीकारती नहीं या साथ नहीं देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब बड़ी हो चुकी है, पर अगर मैं मान जाऊँ और भविष्य में उसका साथ दूँ तो उससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो सकता है। हेलो, आपने चश्मा क्यों पहना है? मुझे आपको उस प्रोसीजर की अपडेट देनी थी। इस बार मेरा पेट थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, कल रात को भी लग रहा था। पता नहीं ये अच्छी निशानी है या नहीं, आपको क्या लगता है?
हेलो, शंघाई में ठंड है क्या? सब अभी तक सो रहे हैं, अभी कोई काम पर नहीं गया। ताइपेई में बहुत गर्मी है, करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस। अच्छा है, यहाँ तो ठंड और सूखा है, तभी मेरी आवाज़ ऐसी है। बिल्कुल बिल्ली की तरह। बाय बाय, जब सब निपट जाएगा तो बताती हूँ। मेरे लिए काहिरा का मतलब है सुरक्षा। मैं यहीं पैदा हुई थी। यहाँ का ट्रैफिक, समुदाय, गर्मजोशी, मेरा परिवार और दोस्त सब पूरी जिंदगी मेरे साथ थे। मैं हमेशा काहिरा के बीच रही हूँ, बल्कि मैं कभी मिस्र से बाहर तक नहीं गई, इसलिए इससे बेहतर मैं और कोई जगह नहीं जानती। ये लोग मुझसे कहते हैं कि ये चाहते हैं कि अब अगली शादी मेरी हो। उम्मीद है मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? देखिए, ये तो मर्द है फिर भी डरता है। मैं डरता नहीं हूँ, पर हाँ, शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। नहीं मेरे दोस्त, हम अमेरिका में नहीं हैं। यहाँ का समाज हम पर शादी के लिए दबाव डालता ही है। मुझे यकीन है जल्द ही तुम्हारी माँ भी तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करेंगी। नहीं, सवाल ही नहीं है। मुझे लगता था मेरी माँ ज्यादा मॉडर्न है। मेरी दूसरी शादी नहीं हुई, उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की और ना ही ऐसे दिखाया कि कोई बहुत बड़ा मसला है। फिर मुझे पता चला उन्होंने मुझे किसी से मिलवाने के लिए एक पूरी सीक्रेट टीम लगाई हुई थी। मेरी माँ, मेरे परिवार में सब लोग और मेरे सभी दोस्त जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, मुझे कहते हैं शादी मत करना। इसके पिता और मैंने बहुत झेला है। जिंदगी हमारे लिए आसान नहीं थी। हाँ बिल्कुल, हमने कई मुश्किलें झेली पर उनका सामना भी किया, लेकिन इस पीढ़ी में जरा भी सब्र नहीं है। मुझे चिंता होती है। क्यों? मुझे उनके लिए डर लगता है कि समाज उनके लिए कैसी राय रखेगा और उनका भविष्य क्या होगा और हमारी परंपरा और संस्कृति किस हद तक बदल सकती है। हमने उनके लिए एक मजबूत नींव रखी है, उन्हें सिखाया है, समझाया है, उनका ख्याल रखा है। अब वो अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। हाँ, बस इसी बात की तसल्ली है। और फिर हम हो या ना हो, वो खुद के लिए सही फैसले ले सकते हैं। मुझे सभी चीजों और जगहों से जुड़ाव महसूस होता है, जैसे वो मेरी आत्मा का हिस्सा हो। मैं अपनी चीजें सिर्फ कहीं यूं ही नहीं फेंक देना चाहती थी। वो मेरा सामान है जिनके साथ मेरी बेटी खेला करती थी। ये एक ऐसा दिल तोड़ देने वाला एहसास है जो मैं नहीं चाहती कोई और महसूस करे। मैं सिर्फ दूसरी महिलाओं से अपनी शादी को गंभीरता से लेने के लिए कह सकती हूँ। क्योंकि आखिरकार आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी के भी फैसले लेते हैं, और ये आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे
मुझे यकीन नहीं है कि उसे वाकई एक बच्चा चाहिए, पर उसने प्लानिंग बहुत अच्छे से की है। उन्हें लंबे वक्त से एक नाती की चाह है। आजकल के माँ बाप बहुत शांत रहते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहते, पर अंदर ही अंदर वो सच में नाना नानी बनना चाहते हैं। जब हमने उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में अच्छे से समझाया तो वो मान गए। उन्हें पहली ही कोशिश के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। हमारे लिए चीजें अच्छी दिख रही हैं। मैं 26 अंडे फ्रीज करवा चुकी हूँ। हमें आगे चलकर 2 बच्चे चाहिए, एक मेरे से और एक मेरी पार्टनर से। हो सकता है पहली बार में काम ना बने, पर आखिर में सब ठीक होगा। अगर हम हार ना माने तो आजकल की मेडिकल संभावनाओं के चलते एक ना एक दिन हमारा सपना पूरा जरूर होगा। मैं अपने परिवार में एक नए सदस्य के जुड़ने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। देखकर अच्छा लगता है कि मेरे बाकी बच्चे, उसके भाई बहन, उनके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर आशावादी हैं और साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी दादी भी, जो अब 70 के ऊपर की हैं, वो फिर भी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार करती हैं और उनका साथ देती हैं। खुशकिस्मती से मेरी माँ समझदार हैं और उन्होंने अपना समर्थन भी दिया। वो बोली कि ऐसा करना ठीक रहेगा। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं ऐसे आपके करीब नहीं आऊंगी। मैंने उंगली पर थोड़ी क्रीम लगाई है मास्क के लिए, पर मुझे नहीं लगाना। ये पहनूं या फिर ये ड्रेस? ये वाली, ये ज्यादा अच्छी है। इससे मिलता कोई हिजाब है? हाँ, ये। इसके नीचे क्या पहनेंगी? एक काला टॉप। ये कैसा लग रहा है? ये शादियों के लिए अच्छा है, पर इसमें मैं एकदम दुल्हन की माँ जैसी लगूंगी। हाँ, पर एक तरह से दुल्हन की माँ जैसी ही तो हैं आप। काश अगली दुल्हन तुम हो। मास्क के साथ या उसके बिना? काश मेरी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। अल्लाह उस पर रहम करें और उसे रास्ता दिखाएं। अल्लाह हमेशा उस पर खुशियां बख्शे। मैं अपनी बेटी से खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रही हूं। मुझे दिल से लगता है अल्लाह उसकी मदद करेंगे और उसे खुशियां अता करेंगे। मैंने एक नए रिश्ते की उम्मीद कभी नहीं खोई। हालांकि मेरी पहली शादी नहीं चली, पर मैं शायद दूसरी शादी भी कर लूं।
पता है सब अलग होते हैं। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि मेरी जिंदगी एक किताब की तरह है। कुछ पन्ने होंगे जिन्हें मैं मोड़ कर काट दूंगी, कुछ होंगे जिन्हें मैं बिल्कुल फाड़ दूंगी, पर आखिरी पल तक मेरी कहानी चलती रहेगी और उसके हर एक पन्ने पर उम्मीद लिखी होगी। मुझे दिल से भरोसा है कि उसको स्वीकारने और अपनी शुभकामनाएं देने का फैसला बिल्कुल सही था। उसका बाप होने के नाते उसकी खुशियों भरी मुस्कुराहट मेरे दिल को छू गई। परिवार में हर कोई किसी न किसी दबाव में जी रहा है और हालांकि कभी कभी चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, फिर भी हम एक खुशहाल परिवार हो सकते हैं, फिर चाहे कोई भी उसका हिस्सा क्यों ना हो। दरअसल मैंने ये स्पीच कल रात को ही लिखी। मुझे डर था मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊं, इसलिए लिख लिया। पर मैं ये सब तुम्हारी आंखों में देखकर कहना चाहती हूं, इसलिए अगर कुछ भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना। तुम जो इस दुनिया की सबसे बेसब्र इंसान हो, बिना भूले हर रोज मुझे याद दिलाती हो कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, इससे मुझे मेरा आत्मविश्वास दोबारा मिल गया। थैंक यू। इस स्पीच के बाद मुझे अपना मेकअप ठीक करना पड़ेगा। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैंने हमेशा खुद को सौभाग्यशाली समझा है। मैंने पहले कभी नहीं कहा, पर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इस परिवार में पैदा हुई। आप लोगों की वजह से मैं एक खुशहाल परिवार में बड़ी हुई। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ ये बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।